साथियों, ये आप भली भांति जानते हैं कि देश के 80% से अधिक किसानों के पास। नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 10 अगस्त। दोस्तों, बड़ी अपडेट, यूएन में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन और पाकिस्तान की उतार लिया है बक्कल। जी हां, और उसके साथ ही समुद्री मार्ग खास करके साउथ चाइना सी और आतंकवाद को लेकर दोनों देशों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, इंडियन एयरफोर्स के निशाने पर रहेगा चाइना, भारत ने तैयार किया एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। जी हां दोस्तों, चाइना को किस तरीके से करारा छटका लगने वाला है इससे जरिए। और इस बीच अगली अपडेट, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल से चीन के खिलाफ भारत के T-19 और T-72 टैंक हुंकार भरने की तैयारी में है। भीष्म टैंकों को भी उतार दिया है मोदी सरकार ने युद्ध के लिए आर पार की तैयारी। वहीं अगली बड़ी अपडेट में बताएंगे, चाइना को लुभाने के लिए पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का प्रमुख बदल दिया है, कर्मचारियों की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान पर कस दिया है, यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। और इस बीच अगले अपडेट में भी आपको बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान में हजारों हिंदू उतरे सड़क पर लगे जय जय श्री राम और हर हर महादेव किनारे से गूंजा पूरा कराची, हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ बोला हमला। जी हां दोस्तों, एक ही करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आप भी मानते प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी यूएनएससी की बैठक में बोले, आतंक को बढ़ावा देने वाले और समुद्र मार्गों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ हमला। जी हां, एक तरफ आतंक को बढ़ावा देना यानी पाकिस्तान पे सीधा हमला, और समुद्री मार्गों का दुरुपयोग यानी साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी, यानी दोनों देशों को सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक कल हुई। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी हिस्सा लिए। ब्लिंकन की इस बैठक से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा का विस्तार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का मामला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि समुद्र हमारी साझा विरासत है और समुद्री रास्ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लाइफ लाइन है। ये हमारे महासागर और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत महत्व रखते हैं। हमारे लिए ये साझा विरासत कई तरीके की चुनौतियों का सामना कर रही है। आतंक को बढ़ावा देने के लिए समुद्री मार्गों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर एक समावेशी फ्रेमवर्क तैयार हो। ये फ्रेमवर्क सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन पर आधारित हो। पीएम मोदी ने एक तरीके से इस सुझाव को यूएन के सामने रखा है और इस पर उदाहरित दृष्टिकोण सुरक्षित समुद्री मार्ग के लिए प्रतिबद्ध बताया। कहा कि हमें समुद्री व्यापार की बाधाओं को समाप्त करना होगा, हमारी समुद्र सुचारी समुद्र व्यापार पर निर्भर है। दरअसल ये चीजें आपको बता दें, चीन को सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी चीन पर इशारा था। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चीन अवरोध पैदा करता है उसको लेकर पीएम मोदी ने स्पष्ट तरीके से चेतावनी दी है। दूसरी तरफ आतंकवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमें समुद्री व्यापार में पैदा होने वाली बाधाओं को हटाना होगा जिससे वैध व्यापार को स्थापित किया जा सके। दूसरी बात उन्होंने कही है कि समुद्री विवादों को निपटारा शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किया जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि जिम्मेदार समुद्री कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौथी चीज़ें उन्होंने कही है कि नॉन स्टेट एक्टर्स और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पैदा की गई समुद्री चुनौतियों का सामना एक साथ मिलकर किया जाना चाहिए। हमें समुद्री पर्यावरण और संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। महत्वपूर्ण वक्त रहा है ये बैठक का और प्रधानमंत्री मोदी ने कम समय में बड़ी बातें कहकर चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया और तमाम दुनिया भर में फैली आतंक को लेकर भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर भी हमला बोल दिया। तो दोस्तों, ये पीएम मोदी का भाषण। हम चलते हैं अगले अपडेट। अब हम ऐसा एयर इंडिया फोर्सेस के निशाने पर रहेगी चाइना, भारत ने तैयार किया एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। जी हां,
दरअसल भारत और चीन सीमा विवाद देश में ड्रैगन हर चाल पर करारा जवाब देगा, लेकिन अब भारत की चीन की चाल का जवाब देने की बजाय ऐसी तैयारी कर रहा है जिनमें चीन चाल चलने से पहले ही हथियार डाल देगा। दरअसल भारतीय वायुसेना ने 13,500 फीट की ऊंचाइयों पर एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि सेना और उनकी मदद के लिए हथियारों को कम समय से लेकर इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनने में अब भारतीय वायुसेना की सीधी नज़र चीन पर होगी, या फिर यूं कहें कि चीन भारतीय वायुसेना के निशाने पर रहेगा। पिछले एक साल से ज़्यादा समय से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है और कई दौरों की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ही ओर से समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल सका है। बातचीत के बीच चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाता रहा है। भारत ने भी चीन की इसी चाल पर पलटवार करते हुए सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, विश्व के सबसे ऊंचे युद्धस्थल में चीन के खिलाफ भारत के T-19 टैंक और T-72 टैंक हुंकार भरने को तैयार। जी हां, दरअसल भले भारत और चीन सेनाओं के बीच बातचीत के जरिए इस वक्त वास्तविक नियंत्रण रेखा मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन 14,000 से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर शून्य से नीचे तापमान में सरहद की रक्षा में तैनात भारतीय जवानों के तेवर देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। करीब एक साल से भी अधिक समय से लद्दाख सीमा पर अपने टैंकों की तैनाती में लगे भारतीय सेना के वक्तारबंग रेजिमेंटों ने अपने सबसे ऊंचे युद्धस्थल पर अपनी मशीनों को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अपनी मानक संचालक प्रक्रियाओं को बेहतर विकसित किया है। हम आपको बता दें कि इसके साथ साथ ही तमाम दुर्गम इलाकों में भीष्म टैंक को भी उतार दिया है। भारतीय सेना की इस तैयारी को देखकर चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चाइना आपको बता दें कि जो तैयारी कर भी रहा है, इसरो के रडार सिस्टम से उन तमाम चीज़ों को मिनटों में ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन भारतीय सेना की जो तैयारी चल रही है सीमा पर, भारतीय सेना जिस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों से अपने सैनिकों को लैस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनसे सीधा सीधा फाइटर जेट को ज़मीन से उन सेना के जरिए ही उड़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, चाइना को अब करारा झटका तब लग रहा है जब भीष्म टैंक की एक पूरी की पूरी बटालियन को ही लद्दाख से सटे सीमा पे लगाया जा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। चीन को लुभाने के लिए पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का प्रमुख को बदल दिया है। कर्मचारियों की सुरक्षा का भरोसा दिया है, फिर भी चाइना ने भड़ास निकाल दी है। दरअसल चीन पाकिस्तान को लुभाने के लिए बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के प्रमुख को बदलना पड़ा है। दरअसल इससे पहले चीन ने फटकार लगाई थी, इसके लिए उसने चीन के नज़दीकी ऊर्जा विशेषज्ञ नियुक्त किया है। निके एशिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अगस्त को पाकिस्तान ने बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना से सेवानिवृत्त आर्मी जनरल आसिम सलीम बाजवा को हटाकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के सर्वोच्च पद के लिए खालिद मंसूर को नियुक्त कर दिया। ये परियोजना $50 अरब की बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि चीन के इंजीनियरों पर जिस तरीके से पाकिस्तान में हमला हुआ था, CPEC को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है और CPEC को लेकर जिस तरीके से बलूचिस्तानियों ने अटैक किया है, उसको देखते हुए अब उनके प्रमुख को बदलने के लिए चीन ने पाकिस्तान को लथाड़ लगाई थी, जिसके बाद अब ये बदलाव हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान में लगे जय जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कराची में जोरदार प्रदर्शन। हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे, लगे जय जय श्री राम, इमरान का अत्याचार नहीं चलेगा। जी हां, दरअसल पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में हाल ही में मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद वहां रह रहे हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के कराची में रह रहे अल्पसंख्यकों ने रविवार को लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कराची में जमकर जय जय श्री राम के नारे और हर हर महादेव के नारों के साथ पूरा कराची गूंज उठा है। रविवार को कराची के प्रेस क्लब के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए, जिसमें हिंदू समुदाय के अलावा सिख, पारसी, ईसाई और अन्य तबके के लोग भी थे, जिससे हाल ही में मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की निंदा की और अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। यहां प्रदर्शनकारियों द्वारा हर हर महादेव और जय जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने यहां भगवा झंडा लगाकर वी वांट जस्टिस लिखी तख्तियों को भी लहराया है। विरोध प्रदर्शन में पहुंचे कराची हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रामनाथ मिश्र महाराज भी शामिल थे, जिन्होंने कहा है कि रहीम यार खान
में जिस तरीके से गणेश मंदिर में गुंडों के द्वारा तोड़फोड़ की गई उनकी हम सख्त निंदा करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की कराची की सड़कों पर इस समय हजारों हिंदू उतर कर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आए दिन हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ होती है, हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उनका जबरन धर्मांतरण होता है। इस वजह से इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर तिल मिलाया चाइना ने कसा तंज। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान ऐसे दोस्त हैं जिनकी नीति भारत के खिलाफ एक जैसी मानी जाती है। भले भारत और पाकिस्तान में व्यापक संस्कृति समानता हो, लेकिन चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारत को लेकर चीन में तंज किया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान से प्रशंसा मिली है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को चीन पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि चीन कोई भी भारत कोई भी चीज़ डंका भारत का बजता है तो चीन के पेट में दर्द होने लगता है। यही कारण है कि जिस तरीके से चोपड़ा साहब ने गोल्डन मेडल जीत लिया और खास करके एक तरीके से कांस्य पदक जीता है, अब गोल्डन मेडल जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने दिलाया है उसको लेकर सिंहुआ की खबर किया है, जो कि एक तरीके से चाइना का अखबार उन्होंने लिखा है। एक स्वर्ण, दो रजक और चार कांस्य पदक के साथ भारत मेडल जीतने वाले 93 देश की रैंकिंग में 48वें नंबर पर आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारतीय दल को केवल एक स्वर्ण मेडल और कुल 7 मेडल मिले हैं। इससे पता चलता है कि भारत को कई चीज़ों के आधुनिकीकरण को कितनी लंबी दूरी तय करनी है, यानी इस पर भी एक तरीके से ग्लोबल टाइम्स ने तंज कसा है। तो अब आप चीन की हताशा देख सकते हैं। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, चंडीगढ़ पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन से अमृतसर में गिराए हथियार, हैंड ग्रेनेड, सबसे ज़्यादा कारतूस व टिफिन बम मिला। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब सीमा पर वो लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से अपने साथियों तक हथियार पहुंचा सके। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा भेजा था। हालांकि भारतीय सेनाओं की सूझबूझ और सतर्कता से पंजाब से पुलिस और सेना ने इसे बरामद किया। पाकिस्तान ने 7 थैलियों में आईडी, हैंड ग्रेनेड, कारतूस भेजे थे। सूचना के आधार पर पाकिस्तान पुलिस ने इन हथियारों को बरामद कर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के कारना कारतूत, पत्नी समेत बीजेपी नेता की गोली मार कर की हत्या। जी हां, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने भाजपा नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी है। डार कुलगाम में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे और वे सरपंच भी थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले पर दुख जताया। उधर भाजपा ने भी इस हमले को कायरानापूर्ण बताया। अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकियों ने डार और उनकी पत्नी पर फायरिंग की थी। इस दौरान दोनों को गोलियों लगी, जिनके बाद दोनों की हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मृत्यु हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बयान जारी करके कहा है कि मैं सरपंच रसूल डार और उनकी पत्नी पर क्रूर आतंकवादी हमले की निंदा करता हूँ। ये कायराना भरा काम है, इसे अंजाम देने वालों को जल्द ही न्याय के दायरे में लाया जाएगा और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार मेरी प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से चाइना खास करके आतंकी जिस तरीके से आतंक कर रहे हैं, भारतीय सेनाओं के भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अगले अपडेट, राज्यसभा लोकसभा में केंद्रीय, आपको बता दें दोस्तों, ओबीसी से जुड़े एक तरीके से आरक्षण को पारित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कई कानून कल राज्यसभा और लोकसभा में पारित किए गए हैं और कई चीज़ों पर विपक्ष का समर्थन भी मिला है। अनुसूचित जनजाति से जुड़ा विधेयक पेश किया गया है। ओबीसी से जुड़े बिल सरकार के साथ कांग्रेस समेत 15 दल साथ आए, क्योंकि ओबीसी बिल पास किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में कई बिल कल लेकर आए हैं, जिसको आपको बता दें एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भी कई लेकर आए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी कल पारित किया गया है। तो कई बिल पारित किए गए, जिनमें से कई में किसानों ने कांग्रेस पार्टी समेत 15 पार्टियों ने समर्थन किया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में तालिबानों ने पार की क्रूरता की सारी हदें, टाइट कपड़े पहनने पर लड़की की गोली मार कर की हत्या। जी हाँ,
दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां फिर से तालिबान का आतंक बढ़ रहा है और तालिबानों ने अपने शरिया कानून को पूरे अफगानिस्तान में लागू कर दिया। अब तालिबान ने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी। तालिबान ने आतंकियों की एक लड़की को सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने टाइट कपड़े पहने थे और उनके साथ कोई पुलिस साथी नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना उत्तरी बल्क प्रांत के समरकंदियान के एक गाँव की है। जिस तरीके से पूरी तरह से तालिबानों का कब्जा है, बल्क के पुलिस प्रवक्ता आदिल शाह आदिल ने बताया है कि लड़की का नाम नाजनीन था और उसकी उम्र 21 साल थी। और उन्होंने बताया कि लड़की अपने घर से बल्क की राजधानी मजार शरीफ जा रही थी। वो अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठी रही थी कि आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। लड़की ने बुर्का पहना हुआ था। हालांकि तालिबान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। तो इस तरीके से अब आप समझिए कि ये आतंक चल रहा है। अगली अपडेट, 222 अंग्रेजी कानूनों को समाप्त करने के लिए जंतर मंतर से आंदोलन तेज हो चुका है। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर रविवार को दिल्ली में भारत छोड़ो जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 25 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए कहा था। इसी को देखते हुए जंतर मंतर कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। साथ ही इस मौके पर सरकार से मांग की गई कि आज़ादी की 75 वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 से पहले सभी अंग्रेजी कानून को काले कानून को खत्म करके कानून बनाया जाए। संसद नई बन रही है इसलिए कानून भी नया बनना चाहिए। इसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और PIL मैन के नाम से प्रसिद्ध अश्विनी उपाध्याय ने जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन को लेकर 1960 में बने इंडियन पीनल कोड, 1861 में बने पुलिस एक्ट समेत कई कानूनों को खत्म करने की बातें कही हुई हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक